ऐसे 220 के जितने भी इररिलेवेंट टॉपिक्स है ना, सारे आपको मार्क करवाऊंगा और कीवर्ड्स मार्क करवाऊंगा आईसीआई के, खाली जो हाइलाइटेड पोर्शन में आपको बता रहा हूँ ना उतना ही आपको पढ़ाई करनी है। उसके अलावा ना तो किसी का नोट्स देखना है आपको, ना ही कोई क्वेश्चन बैंक देखना है। बढ़िया तरीके से आज आपका क्लास के क्लास में खत्म करवा दूंगा अलॉन्ग विद मेमोरी टेक्निक्स एंड कीवर्ड्स। ये पीडीएफ आपको किधर मिलेगी कट वाली? ये पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सीए शंकर लखमानी टेलीग्राम चैनल का नाम है। बढ़िया तरीके से चालू करो, जितना हाईलाइटेड करवा रहा हूँ उतना ही करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और सब्सक्राइब क्यों नहीं किया अभी तक आप लोगों ने, प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और क्या करो दोस्तों के साथ शेयर कर दो, कमिटमेंट कर जाना कमेंट सेक्शन में दैट एएसए विल डेफिनेटली स्कोर 70 प्लस इन ऑडिट इन मई 2024 एग्जामिनेशन, तो मोटिवेशन मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो अपन ने इसके पहले वाले लेक्चर में किसकी बात करी थी? एसक्यूसी 1 की बात करी थी। मैंने बोला था एसक्यूसी 1 का जो टर्म है ना, जो एसक्यूसी 1 का एरिया है ना, वो ब्रॉड एरिया है, जिसका स्कोप है वो ब्रॉड स्कोप है, और एसए 220 का जो स्कोप है ना वो नैरो स्कोप है। क्यों सर? एसक्यूसी 1 का लेक्चर भी देख लेना, एसक्यूसी 1 का लेक्चर मैंने डाला था। ठीक है, बढ़िया तरीके से आपका एसक्यूसी 1 मैंने मार्क करवा के खत्म करवा दिया। अब देखो एसक्यूसी 1 में मैंने क्या बोला था ना कि एसक्यूसी 1 का जो स्कोप होता है ना वो वाइड स्कोप होता है, और एसए 220 का जो स्कोप होता है ना वो नैरो स्कोप होता है। सर ऐसा क्यों होता है हमको समझाओगे? मैंने बोला एसक्यूसी 1 है ना वो किसकी क्वालिटी की बात करता है, तो मैंने बोला पूरे के पूरे फर्म लेवल पे वो क्वालिटी कंट्रोल की बात करता है। मैंने आपको बोला था कि एक ये फर्म को क्या करना पड़ता है, क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है ऑडिट करते वक्त। तो एसक्यूसी 1 सबको लगता है, ऑडिट को भी लगता है, रिव्यू को भी लगता है, अपने एश्योरेंस को भी लगता है, रिलेटेड सर्विस को भी लगता है, लेकिन एसए 220 किसको लगता है? केवल और केवल ऑडिट को लगता है। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, एसए 220 इज प्रिमाइज्ड ऑन द बेसिस दैट द फर्म इज सब्जेक्ट टू एसक्यूसी 1, यानी कि एसक्यूसी 1 जो है वो सबको लगेगा, उसका जो स्कोप है वो वाइड स्कोप है, और एसए 220 किसको लगेगा? चुनिंदा ऑडिट को ही लगेगा, रिव्यू को नहीं लगेगा, एश्योरेंस को नहीं लगेगा, रिलेटेड सर्विस को नहीं लगेगा। तो ऐसे 220 किससे इंस्पायर्ड है? तो बोले एसक्यूसी 1 से इंस्पायर्ड है। अब एसक्यूसी 1 के लेक्चर में अपने क्या देखा था? पीएसआरएलआर प्लस रिपोर्ट उसका ऑब्जेक्टिव होता है, सेम इधर ऑब्जेक्टिव है, पीएसआरएलआर प्लस रिपोर्ट सेम ऑब्जेक्टिव है, कुछ भी अलग नहीं है। उसके बाद अपन ने एलिमेंट्स क्या देखे थे क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के एसक्यूसी 1 में? हिमालय, याद है मैंने आपको बोला था कि क्वालिटी जो होता है ना, पानी की क्वालिटी याद करनी है, और पानी की क्वालिटी से क्या याद आएगा आपको? केंट आरो हेमामालिनी, तो हिमालय अपन को देखना है। मैंने बोला हाँ सर ऐसा थोड़ा थोड़ा तो याद आ रहा है, सेम टू सेम इसमें है सर, खाली एक इन लोगों ने क्या चेंज कर रखा है ना, हिमालय में क्या था? एच फॉर ह्यूमन रिसोर्स, तो ह्यूमन रिसोर्स की जगह इन लोगों ने क्या डाल दिया? असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम। लेकिन अगर आप देखोगे ना तो ह्यूमन रिसोर्स और असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम दोनों का मतलब तो एक ही होता है, या तो इन लोगों को क्या था ना कुछ अलग करना था, तो चलो इन लोगों ने नाम अलग कर दिया, बाकी एक ही बात हुई ना। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है ना, सीए फर्म में जो भी बंदे काम कर रहे हैं ना उनको मैं क्या बोलता हूँ? ह्यूमन रिसोर्स। और असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम क्या होता है ना, वो भी तो वही बात हुई, सीए फर्म में जो भी काम कर रहा है ना, जो कि ऑडिट करने जा रहे हैं, उनको मैं क्या बोलूंगा? एंगेजमेंट टीम। तो इन लोगों ने खाली नाम बदला है, अंदर का काम नहीं बदला, इन लोगों को कुछ अलग करना था, तो इन लोगों ने कैसे अलग कर दिया? नाम बदल के इन लोगों ने अलग कर दिया। हिमालय बराबर एच फॉर क्या था? ह्यूमन रिसोर्स, जिसका नाम बदल के अभी क्या हो गया? असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम। ठीक है, ई फॉर क्या था? एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। एम फॉर मॉनिटरिंग। ए फॉर एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट। एल फॉर लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। ई फॉर एथिकल रिक्वायरमेंट। ये देखो रिलेवेंट लिखा है ना, वो काट दो, ई फॉर एथिकल रिक्वायरमेंट। ठीक है, एक एक चीज को अपन क्या करेंगे, डीप में समझेंगे। सबसे पहले क्या आता है? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको कितना पढ़ना है ना, देखो ये चार्ट नजर आ रहा है आपको, चार्ट बस वो चार्ट ही आप लोगों को लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी में पढ़ना है। ठीक है सर, क्या चार्ट है सुन लो, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी ऑन ऑडिट। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ इधर, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी जरूरी है, मेरे साथ से रिपीट करो, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी जरूरी है। ठीक है सर, द इंपॉर्टेंस टू ऑडिट क्वालिटी ऑफ, यानी कि क्या है पहला, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या देखना है मेरे को उसमें, पहला पीएसआरएलआर, मैंने बोला था पीएसआरएलआर से कंप्लाई आपको करना है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। पीएसआरएलआर की बात किधर करी थी मैंने, एसक्यूसी 1 के लेक्चर में करी थी। ठीक है, उसके बाद QCPP से कंप्लाई करना है। सर QCPP का मतलब के क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, यानी कि एक सीएफ हमने जो भी क्वालिटी कंट्रोल को लेकर के अपनी पॉलिसीज बनाई है ना, उससे मेरे को कंप्लाई करना है। तीसरा मैंने बोला था रिपोर्ट अप्रोप्रिएट होना चाहिए, अभी तक अपन क्या पढ़ते हैं, पीएसआरएलआर प्लस रिपोर्ट, इतना पढ़ते हैं, तो मैंने बस वही बोला कि रिपोर्ट जो है वो कैसी होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। और चौथा डरना मना है, यानी कि एंगेजमेंट टीम्स एबिलिटी टू रेस कंसर्न्स विदाउट फियर ऑफ रिप्राइजल्स, यानी एंगेजमेंट टीम जो है ना जो ऑडिट करने गई है वो कोई भी इश्यू उठाएगी ना तो उसको जरा भी डरना नहीं है, क्लाइंट के उधर कोई भी गड़बड़ है ना तो बिंदास बोलेगी बिना डरे, विदाउट फियर ऑफ रिप्राइजल। ठीक है, मैंने बोला बिना डरे आपको वो चीज बोलनी है, सोचना मत कि आगे मेरे साथ क्या होगा, ऐसा सारे मत सोचना, कुछ नहीं होगा, आपको बिना डरे आपकी बात रखनी है, आपको बिना डरे मिस्टेक्स निकालनी है क्लाइंट की। ठीक है, मैंने बोला हाँ। उसके बाद ये क्या था, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, अगला क्या है, क्वालिटी जरूरी है, फैक्ट दैट क्वालिटी इज एसेंशियल, यानी कि क्वालिटी क्या है, जरूरी है। ठीक है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये चार ध्यान में रख लेना है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है और क्वालिटी जरूरी है। क्वालिटी इंपॉर्टेंट है बोले तो पीएसआरएलआर के साथ कंप्लाई करो, क्यूसीपीपी के साथ कंप्लाई करो, क्यूसीपीपी बोले तो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, रिपोर्ट अप्रोप्रिएट होनी चाहिए और डरना मना है, और अगला क्या है, क्वालिटी जरूरी है। ठीक है, मैंने बोला
एथिकल रिक्वायरमेंट में आपको क्या देखना है ना, देखो अगर आपको याद हो एसक्यूसी वन में अपन ने क्या देखा था, एथिकल रिक्वायरमेंट में एसक्यूसी वन में अपन ने देखा था बीसीडी इन आउट प्लस इंडिपेंडेंस, लेकिन उधर इतना सारा नहीं देखना है, इधर खाली और खाली क्या देखना है अपने को, इंडिपेंडेंस देखना है, बीसीडी इन आउट इधर अपने को नहीं देखना है, क्या देखना है ना इंडिपेंडेंस को मेरे खतरा है, मैंने बोला था मेरा जो ऑडिटर है ना वो क्लाइंट से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन इंडिपेंडेंस को इधर क्या है ना सर खतरा है, यानी कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो क्या मैं करूंगा ना, दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं एलिमिनेट कर दूंगा थ्रेट को, या तो मैं खुद ही एलिमिनेट हो जाऊंगा। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑडिटर है ना, ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर या तो थ्रेट को एलिमिनेट करेगा या तो मैं ही एलिमिनेट हो जाऊंगा, यानी मैं ऑडिटर हूं, तो या तो मैं थ्रेट को एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश करूंगा, नहीं तो मैं ही एलिमिनेट हो जाऊंगा। एलिमिनेट कैसे हो जाऊंगा, तो मैं बोलूंगा मैं विड्रॉ कर लूंगा ऑडिट एंगेजमेंट से, समझ रहे हो, मैं मेरा बेस्ट पॉसिबल दूंगा कि भाई मैं क्या करूं थ्रेट को एलिमिनेट कर पाऊं, लेकिन अगर थ्रेट एलिमिनेट नहीं हो रहा है ना इंडिपेंडेंस का, तो मैं खुद ही एलिमिनेट हो जाऊंगा। तो क्या देखूंगा, सबसे पहले मैं थ्रेट टू इंडिपेंडेंस देखूंगा, फिर मैं एक्शन लूंगा, एलिमिनेट करना कोशिश करूंगा थ्रेट को, नहीं हुआ तो मैं खुद ही एलिमिनेट हो जाऊंगा, यानी कि ऑडिटर क्या हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद क्या है ना सर, सुनो, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप में अपन ने उधर आईसीसी देखा था। सर आईसीसी क्या था, इंटीग्रिटी तेरी माने क्लाइंट की, कॉम्पिटेंस मेरी यानी के किसकी, ऑडिटर की, और कंप्लायंस किसका, मेरा यानी के ऑडिटर का। इसमें एक और चीज आ गया अभी, सिग्निफिकेंट मैटर SM, सिग्निफिकेंट मैटर अराइजिंग ड्यूरिंग करंट और प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट, यानी के कोई सिग्निफिकेंट मैटर, कुछ बड़ी बातें जो कि सामने आई है इस साल के या पिछले साल का ऑडिट करते वक्त, तो इधर क्या लूंगा, आईसीसी प्लस SM, इधर एक नया पॉइंट एड हो गया SM, ठीक है सर। पास्ट ईयर में इसका क्वेश्चन भी आया, वो क्वेश्चन ने क्या लिखा था, देखो सर उसने क्या लिखा था, वो क्वेश्चन मैंने पहले तो लंबी कहानी दी हुई थी जिसका कोई रेलेवेंस नहीं होता है, ऑडिट में जनरली ऐसा होता है लंबी कहानियां दी होती है जिसका कोई रेलेवेंस नहीं होता है, एंड में एक लाइन दे देते हैं उसमें ही क्वेश्चन छुपा रहता है। क्या लिखा होता, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग वेदर द कंक्लूजंस रीज रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट्स आर एप्रोप्रिएट। तो ऐसा है ना आपको फैक्टर्स टू बी डिटरमाइन, ऐसा वाला आपको क्वेश्चन है ना, किसमें सर, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप में, तो क्या लिख के आना, आईसीसी प्लस SM लिख के आना, इंटीग्रिटी उनकी, कॉम्पिटेंस मेरी, कंप्लायंस मेरी, और सिग्निफिकेंट मैटर्स, ठीक है सर। मैंने बोला उनकी माने के किसकी, मैनेजमेंट की, और मेरी यानी कि किसकी, ऑडिटर की। अगला क्या देखना है आपको, सुनो फटाफट से, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। पता है मैंने आपको बोला था कि लिस्टेड एंटिटी का होता है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, पूरा का पूरा मैंने समझाया है आपको एसक्यूसी वन के लेक्चर में, लिस्टेड एंटिटी का होता है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। मैंने बोला बेटा होता है, बेटा कौन होता है, ऑडिटर, यानी कि कौन होता है, एंगेजमेंट पार्टनर जो होता है ना वो बेटा होता है, और बाप कौन होता है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। मैंने उसमें क्या बोला था, लिस्टेड एंटिटी का क्या होता है ना, लिस्टेड एंटिटी का एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होता है, और अदर एंटिटीज का भी हो सकता है अगर तो क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो, ठीक है। तो वो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करते वक्त एंगेजमेंट पार्टनर को किन बातों ध्यान रखना है, देखो क्या हुआ है ना, देखो अभी एंगेजमेंट पार्टनर और एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, मैंने बोला नीचे कौन होता है, एंगेजमेंट पार्टनर, उसके ऊपर कौन, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर एंगेजमेंट पार्टनर के काम को चेक करता है, ठीक है। तो अब मेरे को एंगेजमेंट पार्टनर को किन किन बातों का ध्यान रखना है वो इसका क्वेश्चन है, ठीक है। चलो सर इसको मेमोरी टेक्निक से याद करवाता हूं, लड़की क्या बोलेगी ना, लड़का आया है, ठीक है, लड़का आया है, लड़के के साथ बातें करेंगे, लड़के के साथ डेट पे जाएंगे, ठीक है सर। लड़की क्या बोलेगी, लड़का आया है, लड़के के साथ बातें करेंगे, लड़के के साथ डेट पे जाएंगे, बातें क्या करेंगे कि लड़के लड़के तू कौन सी कार खरीदने वाला है, ठीक है सर। यह है पूरा का पूरा लड़की का प्रोसीजर, लड़की क्या करेगी, वो देखेगी लड़का आया है, लड़के के साथ बातें करेगी, लड़के के साथ डेट पे जाएगी, फिर क्या करेगी ना, क्या बातें करेगी लड़के के साथ कि लड़का लड़का तू कौन सी कार लेने वाला है, ठीक है सर। मैंने बोला हाँ जी आओ, क्या करेगा ना एंगेजमेंट पार्टनर, पहले एंगेजमेंट पार्टनर डिटरमाइन करेगा कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर हैज बीन अपॉइंटेड, यानी कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर आया है। मैंने बोला था लड़का आया है, तो वैसे ही एंगेजमेंट पार्टनर क्या देखेगा कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर आया है, यानी कि वो अपॉइंट हुआ है। उसके बाद मैंने बोला बातें करेंगे, तो पहले क्या बातें करेंगे, सारी बातें करेंगे क्या, मैंने बोला नहीं सर, जरूरी बातें करेंगे, डिस्कस करूंगा मैं सिग्निफिकेंट मैटर्स किसके साथ, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के साथ, यानी एंगेजमेंट पार्टनर जो है ना वो सिग्निफिकेंट मैटर को डिस्कस करेगा एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के साथ। उसके बाद तीसरी बात देखो, पहले क्या होता है ना, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होता है और उसके बाद ही ऑडिट रिपोर्ट बनती है, यानी कि सर प्रोसेस क्या होता है बताऊं, पहले है ना ऑडिट कौन करता है, तो बोला हमारा एंगेजमेंट पार्टनर ऑडिट करता है, उसके बाद उसको चेक कौन करता है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू चेक कौन करता है उसको, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, और उसके बाद ये दोनों प्रोसेस खत्म होने के बाद अपनी क्या बनती है, बढ़िया वाली एक ऑडिट रिपोर्ट बनती है। समझ में आ गया क्या, मैंने बोला हाँ जी। पहले क्या होता है, तो मैंने बोला एंगेजमेंट पार्टनर ऑडिट करता है, फिर एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ऑडिट करता है, और फिर बनती है अपनी बढ़िया वाली ऑडिट रिपोर्ट। मैंने बोला ठीक है सर, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, पहले होगा हमारा
एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू और उसके बाद ही बनेगी हमारी ऑडिट रिपोर्ट. नॉट डेट द ऑडिटर्स रिपोर्ट अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू. यानी एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू पहले पूरा होने देना, उसके बाद ही हमारी ऑडिट रिपोर्ट बनाना. ठीक है, मैंने बोला ठीक है सर, हम समझ गए. अगला क्या था ना, क्या बातें करेंगी लड़की हमारी किसके साथ, लड़के के साथ, कि भाई तू कौन सी कार खरीदने वाला है. ठीक है, तो देख लो कार कैसे याद रखना है अपने को, बातें करेंगे. देखो इधर लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट मैटर्स, ऊपर भी था ना सिग्निफिकेंट मैटर्स, यानी कि क्या करेंगे, बातें करेंगे. और कार, कार कैसे याद रखेंगे अपन लोग, तो देख लो सर इधर इनका अरेंजमेंट हिल गया है थोड़ा सा, कोई टेंशन नहीं है. देखो कार कैसे करेंगे, इधर मैं आपको मार्क करके बताता हूँ. देखो सी फॉर कंक्लूजन, लिख रहा है आपको कंक्लूजन का सी, ए फॉर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और आर फॉर रिव्यू. समझ गए, सी फॉर कंक्लूजन, ए फॉर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, आर फॉर रिव्यू, बोले तो कार. ठीक है सर, मैंने बोला हाँ जी समझ गए ना, मैंने बोला देखो सी फॉर कंक्लूजन, ए फॉर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और आर फॉर रिव्यू. ओके सर, ठीक है. तो क्या करूंगा मैं, डिस्कशन करूंगा सिग्निफिकेंट मैटर्स का. सर कौन सी सिग्निफिकेंट मैटर का, कार का. कार बोले तो इवेल्युएशन ऑफ द कंक्लूजंस, इवेल्युएशन ऑफ कंक्लूजंस, मेरे पीछे पीछे रिपीट करो, इवेल्युएशन ऑफ कंक्लूजन. ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो भी कंक्लूजन थी ना उसका मैं क्या करूंगा, इवेल्युएशन, सी फॉर कंक्लूजन. फिर कार का ए क्या था, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. रिव्यू में क्या करूंगा, तो बोले ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करूंगा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को. और आर फॉर रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट. तो क्या सिग्निफिकेंट मैटर, कार के सिग्निफिकेंट मैटर, कंक्लूजन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है सर, मैंने बोला हाँ जी. सर ये क्या क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया हमको. तो सर समझो क्वेश्चन, समझो. देखो एंगेजमेंट पार्टनर जो है ना हमारा, वो क्या क्या चीजें करेगा लिस्टेड एंटिटी का जब होगा ना एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, या किसी और का भी अगर एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हुआ तो एंगेजमेंट पार्टनर क्या क्या करेगा. तो बोले वो देखेगा लड़की है ना, लड़की वो क्या देखेगी, लड़का आया है, बातें करेंगे, डेट पे जाएंगे. यानी पहले वो क्या देखेगा कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर आया है, सिग्निफिकेंट मैटर्स उसके साथ डिस्कस करेगा, और पहले क्या आएगा EQCR, फिर क्या आएगा ऑडिट रिपोर्ट. ठीक है, मैंने बोला हाँ. उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर जो है ना वो ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन करेगा. तो ये इवैल्यूएशन में उसको किन बातों का ध्यान रखना है, तो बोला बातें करेंगे. क्या बातें करेंगे, कि कार लेके आया है ना वो बातें करेंगे, कि लड़का कौन सी कार लेके आने वाला. ठीक है सर, मैंने बोला ऑब्जेक्टिव एवेल्यूएशन क्या होता है ना, कि वो इंडिपेंडेंट एवेल्यूएशन करेगा. जो हमारे एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर होगा ना वो बायस्ड नहीं होगा, एकदम ही ऑब्जेक्टिव एवेल्यूएशन वो करेगा. ठीक है सर, मैंने बोला हाँ जी. अगला आओ फटाफट तरीके से डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं. एंगेजमेंट पार्टनर क्या डॉक्यूमेंट करेगा पहले वो पढ़ेंगे, और बाद में पढ़ेंगे एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर क्या डॉक्यूमेंट करेगा. तो सर समझो एंगेजमेंट पार्टनर क्या डॉक्यूमेंट करेगा, ICCC. सर व्हाट डू मीन बाय ICCC, इश्यूज जो कि हुए थे एथिकल रिक्वायरमेंट्स को लेकर और उन लोगों को रिजोल्व कैसे किया गया. वापस बोल रहा हूँ, इश्यूज जो कि हुए थे एथिकल रिक्वायरमेंट्स को लेकर और उन लोगों को रिजोल्व कैसे किया गया. फिर सी फॉर कंक्लूजन जो कि हुए थे इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स को लेकर के. अभी मैंने बोला ना आपको ऑडिटर क्लाइंट से क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए. तो इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट के क्या कंक्लूजन निकले वो. उसके बाद कंक्लूजन क्या निकले, ऑन एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट. सर व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस, अभी पढ़ा था ना ऊपर ICC+SM वो वाला. ठीक है, इंटीग्रिटी तेरी, कंप्लायंस मेरी, कॉम्पिटेंस मेरी वो वाला. और नेचर एंड स्कोप ऑफ कंक्लूजन रिजल्टिंग फ्रॉम कंसल्टेशन. कल पता है SQC1 में अपन ने पढ़ा था कि कंसल्टेशन होंगे, कंसल्टेशन होते हैं डिफिकल्ट वाले मैटर्स पे, तो उसके जो भी कंक्लूजन निकले हैं ना उसको भी मैं क्या करूंगा डॉक्यूमेंट करूंगा. तो डॉक्यूमेंटेशन किसका होगा, ICCC का होगा. तो ये कौन कर रहा था डॉक्यूमेंटेशन, एंगेजमेंट पार्टनर कर रहा था डॉक्यूमेंटेशन. अब कौन करेगा डॉक्यूमेंटेशन, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर करेगा. सर कौन से डॉक्यूमेंटेशन, वो क्या बोलेगा सबसे पहले तो, कि मैंने EQCR कर लिया है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के प्रोसीजर्स मैंने परफॉर्म कर लिए हैं. उसके बाद वो क्या बोलेगा ना, पहले EQCR होगा उसके बाद ही ऑडिट रिपोर्ट बनेगा. अभी मैंने आपको फ्लो बताया था पूरा पूरा, पहले एंगेजमेंट पार्टनर जो होता है वो ऑडिट करता है, फिर EQCR यानी एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर जो होता है वो ऑडिट करता है, उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट बनता है. तो बस वही बात वो क्या कर देगा, रिपीट कर देगा. क्या बोलेगा कि पहले EQCR करो फिर क्या बनेगी, ऑडिट रिपोर्ट बनेगी. और फिर क्या बोलेगा ना रिव्यूअर, रिव्यूअर ऐसा बोलेगा कि वो सब जानता है. क्या बोल रहा हूँ मेरे साथ साथ रिपीट करो, रिव्यूअर बोल रहा है कि वो सब जानता है, यानी कि रिव्यूअर इज नॉट अवेयर ऑफ एनी अनरिजॉल्व मैटर्स. यानी रिव्यूअर को कोई भी अनरिजॉल्व मैटर्स के बारे में नहीं पता है, वो कहता है सारे मैटर क्या हो गए सर, सॉल्व हो गए. मैंने बोला ठीक है सर, ठीक है. ये किसका डॉक्यूमेंटेशन था, तो मैंने बोला ये डॉक्यूमेंटेशन था एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के द्वारा. अब सर सुन लो, एग्जाम में आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SQC1 एंड SA-220, 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, आपको 4 पॉइंट लिख के आने हैं. ठीक है सर, 4 मार्क के क्वेश्चन में. हालांकि ICAI ने क्या किया ना, घुमा फिरा के बार बार एक ही बात कर रहे हैं लोग इस क्वेश्चन में. कोई नहीं, अपन देख लेते हैं SQC1 और SA-220 का डिफरेंस है. SQC1 देख लेना, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो समझ आ जाएगा आपको. SQC1 का स्कोप क्या होता है, मैंने बोला था वाइड होता है. SA-220 का स्कोप क्या होता है, छोटा होता है. ठीक है, देखो SQC1 जो है ना पूरे फर्म को लगता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मैनेजिंग पार्टनर की होती है. उसमें अपन ने लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले उसमें पढ़ा था कि मैनेजिंग पार्टनर
की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मेन पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एससे 220 खाली ऑडिट को लगता है और एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सर एंगेजमेंट पार्टनर क्या होता है ना, ऑडिट करने वाला जो मेन पार्टनर होता है ना वो, लेकिन एसक्यूसी वन में उसको मैनेजिंग पार्टनर का नाम देते हैं, एससे 220 में उसको एंगेजमेंट पार्टनर का नाम देते हैं। फिर एसक्यूसी वन सबको लगता है, ऑडिट को भी लगता है, रिव्यू को भी लगता है, एश्योरेंस को भी लगता है, रिलेटेड सर्विस को भी लगता है, यानी कि एससे हो गया, एसआरई हो गया, एसआरएस हो गया, सबको लगेगा अपना एसक्यूसी वन, लेकिन एससे 220 तो खाली और खाली ऑडिट को ही लगता है। उसके बाद एसक्यूसी वन बात करता है फॉर फर्म एज अ होल, यानी जो मेरे क्वालिटी कंट्रोल के पॉलिसीज बनेगी ना पूरे फर्म की बनेगी, लेकिन एससे 220 की खाली और खाली ऑडिट की बनेगी, घुमा फिरा के बार बार एक ही बात की जा रही है। उसके बाद एसक्यूसी वन में क्या होता है ना, PSRLR प्लस रिपोर्ट होता है, ये अपने को लिखना है ये वाले पॉइंट में। हालांकि मैं बात करूं ऐसे 220 की, उसमें भी PSRLR प्लस रिपोर्ट होता है, पता नहीं इन लोगों ने ऐसा दिया है तो अपने को क्या करना है, याद करना है। एक्चुअली में तो एक को डिफरेंस हुआ ही नहीं ना, क्योंकि दोनों में PSRLR प्लस रिपोर्ट होता है, पर ICAI ने लिखा है तो अपने को याद करना है, नहीं तो आपको पता है ICAI अपना नंबर देता नहीं है। छोड़ो अपन लोग याद कर लेंगे। क्या लिखा हुआ है, एसक्यूसी वन इज अ साइन कोवा नॉन फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ एसए 220, यानी कि एसक्यूसी वन क्या है ना, एसेंशियल कंडीशन है फॉर एसए 220, यानी कि एसए 220 जो है ना वो एसक्यूसी वन से इंस्पायर्ड है। जैसे आजकल क्या हो रहा है ना, साउथ की मूवीज से, बॉलीवुड की मूवीज क्या होती है, इंस्पायर होती है। अर्जुन रेड्डी से कबीर सिंह क्या है ना, इंस्पायर्ड है, पहले अर्जुन रेड्डी बनी फिर क्या बनी कबीर सिंह, तो वैसे ही पहले एसक्यूसी वन बना फिर क्या बना एसए 220। ठीक है, वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंटमेंट कर जाना कमेंट में, दैट आई विल डेफिनेटली स्कोर 70 प्लस इन ऑडिट इन May 24। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देन कीप स्टडी, keep learning, keep rocking, all the best.